हेलो एवरी वन दिस इज क्वेश्चन सेवन ऑफ एक्सरसाइज एट पॉइंट वन क्लास टेन ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वेश्चन है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू सेवन बाई एट कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है दैट इज सेवन बाई एट सो यू हैव टू इवेल्यू या फिर फाइंड करना है आपको इन दोनों की वैल्यूज़ तो देखो कैसे करेंगे हमें कॉट थीटा गिवन है और कॉट थीटा को वैसे हम बोलते हैं बी बाई पी यानी कि बेस बाय पपेंडिक्यूलर अगर हम इस ट्राइंगल को लेते हैं और एंगल ए को थीटा ले लेते हैं ठीक है तो इसमें पपेंडिकुलर ये सामने वाली साइड बी हो जाएगी एंड बेस ये साथ वाला साइड ए और हाईपोर्ट तो एवरग्रीन लॉन्गे साइड रहती ही है इसीलिए ए सी बेस हो जाएगा ठीक है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू सेवन बाई एट ये रेशो में है तो इसको हमें लेट करना होगा लेट बेस बी वॉट बेस बी सेवन एक्स ठीक है एंड और क्या हमारे पास परपेंडिकुलर तो उसको लेट करेंगे परपेंडिकुलर पर पेंडिकुलर बी एट एक्स नाउ हम इधर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं एंड कैसे करेंगे सो यू हैव दिस ए बी स्क्वेयर तो ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये ए बी हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी स्क्वायर राइट right? और ए बी हमें निकालना है ठीक है इसको ऐसी रहने देते हैं फिर ए सी क्या है ए सी हमारे पास बेस है और बेस है क्या सेवन एक्स ठीक है तो ये हो जाएगा सेवन एक्स और इसका होल स्क्वायर एंड प्लस करेंगे उसके बाद बी सी क्या है इट इज़ पपेंडिकुलर पपेंडिकुलर एट एक्स राइट और इसका होल स्क्वायर नाउ इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा फोर्टी नाइन एक्स स्क्वायर प्लस वॉट एट एक्स स्क्वायेयर क्या होता है एट एक्स होल स्क्वायर इट इज सिक्सटी फोर एक्स स्क्वायेर नाउ इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास आएगा वन वन थ्री एक्स स्क्वायेर राइट और इधर आपके पास साथ में ए बी होल स्क्वायर भी है इसलिए जब ये ए बी का जो स्क्वायर है इस साइड आएगा ना तो ये हो जाएगा रूट तो वो चीज़ करते हैं अब हम सुनाओ वी हैव ए बी इज़ इक्वल्स टू रूट ऑफ वॉट वन वन थ्री एक्स स्क्वायर तो आपको पता है अब कि ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वेर है इसलिए अब एक्स बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा वन वन थ्री इसका रूट है और एक्स बाहर है ठीक है तो ये हो गया ए बी की वैल्यू नाउ हम इन दोनों पार्ट्स को अब हम सॉल्व कर सकते हैं तो मेरे साथ अब सॉल्व करो सो so, ये जो गिवन है आपके पास फर्स्ट पार्ट इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे हो क्या चीज़ कि ये है a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में अगर मैं लिख के बताऊं सो दिस इज़ a प्लस बी और ये है a माइनस बी इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो आइडेंटिटी कुछ याद आई एलजेब्रिक वाली तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट तो वही चीज़ पहले हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे तो देखो दिस इज़ वॉट हमारे पास क्या था वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा तो यह हो जाएगा वन स्क्वेयर माइनस साइन स्क्र थीटा राइट सो यू विल राइट वन स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा एंड अपॉन में नीचे क्या है ये हो जाएगा वन स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा तो ये हो जाएगा वन स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्र थीटा तो सिंपल ना एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मैंने अप्लाई कर दी है कौन सी मैं साइड में लिख देती हूँ दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी ठीक है जो आपने छोटे क्लास में की थी तो दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो यस वही चीज़ कर दी नाउ दिस इज इक्वल्स टू वॉट इसको हम और अच्छे से वन माइनस साइन स्क्वायेर थीटर डायरेक्टली लिख सकते हैं एंड वन माइनस कॉ थीटा वन स्क्वायर क्या होता है वन राइट right? सो so, जो भी हमने तीन साइड्स की वैल्यूज़ निकाली थी दो साइड्स तो गिवन थी तो हमने जो तीन तीसरी साइड की जो वैल्यू निकाली थी हाइपट अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं एंड साइन और, और कॉस में इधर पुट कर सकते हैं ठीक है यानी कि साइन क्या होता है पी बाई एच और कॉस क्या होता है बी बाई एच तो अगर थोड़ा साइड में हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर इधर हम इसको रख देंगे तो साइन क्या होता है साइनज़ पी बाय एच यानी पर्पेंडिकुलर बाई हाईपोट न्यूज और इस ट्राइंगल में हमारे पास पी क्या है ये बी सी वाली साइड ठीक है पपेंडिकुलर हमने क्या लेट किया था एट एक्स तो ये हो जाएगा हमारे पास एट एक्स ये है सेवन एक्स ये है रूट ऑफ वन वन थ्री एक्स ठीक है सो so ये हम लिख देते हैं इसको पपेंडिकुलर इज एट एक्स हाईपोट न्यूस इज रूट ऑफ वन वन थ्री एक्स तो द एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो बचा वो है एट अपॉन रूट ऑफ वन वन थ्री तो ये मैंने साइन निकाल लिया तो फिर ये हो जाएगा इधर वन माइनस साइन क्या है साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा तो ये एट अपॉन रूट वन वन थ्री एंड इसका होल स्क्वेयर ठीक है यही चीज़ है इसका मतलब क्या होता है कि जो साइन थीटा की आपके पास वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर दो ठीक है so, सो अपॉन में क्या जाएगा अपॉन में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो वही चीज़ बी बाई एच के लिए बेस हमारे पास सेवन एक्स है तो ये लिख लेते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट बी बाई एच एंड बी इज वॉट सेवन एक्स अपॉन ये हो जाएगा वन वन थ्री एक्स ठीक है ये एक्स एक्स कैंसिल तो ये सेवन बाई रूट वन वन थ्री आ गया तो ये हो जाएगा वन माइनस सेवन बाई वॉट रूट ऑफ वन वन थ्री और इसका होल स्क्वायर आई होप आपको ये समझ आ रहा है ठीक है तो हमने अब इसको कर लिया अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे सो दिस इज इक्वल्स टू सो दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस सिक्सटी फोर अपॉन में वन वन थ्री क्योंकि ये रूट है ना तो रूट वन वन थ्री का होल स्क्वायर क्या होगा वन वन थ्री एंड अपॉन में जाएगा हमारे पास वन माइनस सेवन तो सेवन का क्या होता है फोर्टी नाइन एंड अपॉन में वन वन थ्री तो आई होप आपको इतना समझ आया अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा तो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से सो दैट विल बी वन वन थ्री माइनस सिक्सटी फोर अपॉन देखो एल सी एम ले लिया ठीक है इसके बाद आप कर सकते हो हमने एल सी एम लेके इसको सॉल्व किया एंड दिस विल बी योर नेक्स्ट स्टेप एंड नेक्स्ट स्टेप इज वॉट इसे माइनस करके आपके पास आएगा वॉट फोर्टी नाइन अपॉन वन वन थ्री अपॉन ये हो जाएगा 64 फोर अपॉन वन वन थ्री एंड वन वन थ्री एंड वन वन थ्री मतलब वन हंड्रेड थर्टीन बेसिकली ये हो जाएगा कैंसिल यू विल गेट फोर्टी नाइन अपॉन सिक्सटी फोर एज योर आंसर सो आई होप आपको ये समझ आ गया सेकेंड पार्ट तो बहुत ईजी है कॉट स्क्वायर थीटा करना है आपको बस तो इधर ही सॉल्व कर लेते हैं सो कॉट स्क्वायर थीटा इज वॉट कॉट स्क्वायर थीटा इसमें आपको करना होगा बी बाई एच होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू बेस बेसिकली क्या था वैसे भी क्वेश्चन में गिवन है इसकी वैल्यू सेवन बाई एट तो इसको हम लिख सकते हैं कि सेवन बाई एट का होल स्क्वेयर कर दिया एंड दिस इज फोर्टी नाइन बाय सिक्सटी फोर देखो आंसर सेम आ रहा है फर्स्ट पार्ट का भी और सेकेंड पार्ट का तो ये भी आपको समझ आ गया ठीक है सो so, हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था अब जब आप ना आइडेंटिटीज़ पढ़ोगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तब इस ये जो फ़र्स्ट पार्ट है ना इस पर फिर से आना तब जब आप इस फर्स्ट पार्ट को देखोगे ना तो आप ये जो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने वाला ये जो जो भी स्टेप है इसको आप मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो ये फ़र्स्ट जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप कर लोगे तो ये फर्स्ट पार्ट फिर से सॉल्व करके देखना तो उससे इजी हो जाएगा ठीक है वैसे अभी मैं नहीं करा रही क्योंकि अपनी आइडेंटिटी अभी अगले एक्सरसाइज में करनी है सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी थैंक यू